श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे चेहरे की झुर्रियों को हटाने के आसान उपाय। पर उससे पहले इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे कि झुर्रियाँ पड़ने के कारण क्या होते हैं, मुख्य कारण। देखिए, आज उम्र बढ़ने के साथ साथ माथे पर और आंखों के नीचे झुर्रियाँ आने लगती है, जिस वजह से चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगती है। और झुर्रियों की समस्या सिर्फ फेस पर ही नहीं बल्कि हाथ, पांव और गले पर भी आती है। और एक बार झुर्रियाँ आ जाए तो फिर ये तेज़ी से बढ़ती जाती है। ढीली त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी आती है और जिनके चेहरे पर कसाव हो उन्हें यह समस्या जल्दी नहीं आती है। झुर्रियों से छुटकारा मिटाने के लिए क्रीम प्रयोग करते हैं। कुछ लोग झुर्रियों का इलाज के लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं। दूर होता या नहीं होता वो तो भगवान जाने, पर हम उसका कारण पहले आपको बता देते हैं। आंखों के नीचे और होठों के पास सिलवटें आना और माथे पर रेखाएं पड़ना झाइयाँ आने के लक्षण हैं। इसके जो कारण हैं वो हम आपको बता देते हैं। उम्र बढ़ना, धूप में ज़्यादा घूमना, स्किन का केयर नहीं करना, विटामिन डी और सी की कमी होना, स्किन को आवश्यक पोषण ना मिलना, धूम्रपान से त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तनाव ज़्यादा लेने से भी झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। और चेहरे की त्वचा अगर काफ़ी नाजुक होती है तो फिर ऑटोमेटिक झुर्रियाँ आती है। और कुछ लोगों की त्वचा इतनी ज़्यादा नाजुक होती है जो प्रदूषण बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है, तो भी झुर्रियों का कारण होता है। तो इतने सारे कारण हैं झुर्रियों आने के। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे चेहरे की झुर्रियाँ हटाने के घरेलू उपाय और नुस्खे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।